प्रधानमंत्री की जनसभा में। समुद्र व्यापार ने अंदर एक धमधमतू केंद्र बनवानू छे, जे इतिहास में एक नव चैप्टर उमेराई जैसे एनो विश्वास तमे करजो भाई। अने आना कारणे आज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आवी रह्यो छे, एना कारण आपणा कृषि ने पण मोटो फायदो थवानो छे, उद्योगों ने फायदो थवानो छे। भाईओ बहनों, कदाच अमरेली जिल्ला ने भूतकाल में पाणी माटे केवी मुसीबतों वेठवी पड़ी छे ये आज अंदाज नहीं होगा। गया त्रण चार सीजन थी वरसाद सरस पड़े, पाछो आखा गुजरात में हारा में हारो वरसाद, अमरेली में वेला में वेलो वरसाद अमरेली में। एनो अर्थ ए थयो के पाणीनी परमेश्वरनी जेम पूजा करो ने तो परमात्मा पण पाणी वरसावतो होय छे। भाईओ, आपणे जे पाणीने माटे कामो कर्या, सिंचाई योजना माटे जे कामो कर्या, चेकडेम माटे जे कामो कर्या, खेत तलावडियो माटे कामो कर्या, तळावो बनावा माटे जे कामो कर्या, या जे जहमत करी ने ये वरुण देवताए पण जोई कि भाई अमरेलीना भाईओ आटली मेहनत करे छे, चाल हवे वरसवू होय तो अमरेली में जईने वरसू अने अमरेलीना पाणी ने बधा मुसीबतोमांथी मुक्ति अपाऊ। आ काम आपणे जोयुं छे भाई, आ आपणा जीवननी अंदर बदलाव आव्यो छे। आजे अमारा अमरेली जिल्लाना सैकड़ों गामों पाइपलाइन थी पाणी पहोंचे साहेब, अने पाइपलाइन थी पाणी पहोंचे ले कल्पना, पहला तो हेन्डपंप लांबू लांबू दौड़े तो हूँ हेन्डपंप पाए, अने कोई धारासभ्य कोई गाम में हेन्डपंप लगावी दे ने तो ये गाम ये धारासभ्य ने चार चार चूंटणी जीताड़ी दे। हेन्डपंप एवो जमानो हतो, अहींया तो पाइप थी साहेब घेर घेर पाणी पहोंचाड़ीए छे। कारण अमारे तो गुजरात जीवन ने एवं बनावू छे कि तमारी आवनारी पेढ़ीओ ने पण मुसीबत ना आवे। भाईओ, एवं मजबूत बनावू छे अने एना माटे जहमत करी रह्या छीए। गुजराते जे रीते कृषि क्षेत्रे कायाकल्प थयो छे भाईओ, नहीं तो आपणो गुजरात एटले खेतीनी बाबत में हिंदुस्ताननां दसाड़ा दफ्तर में नाम ज नहोतुं। माइनस ग्रोथ आपणो, कारण के दस वर्ष में सात वर्ष दुकाळ पड़तो होय त्यां खेडूत बिचारो करे शुं? बाजरा जुवार के मकाईना ना बीजड़ा नाखीने जे कंई निकळे निकळ्युं, एमांथी कंई थतुं नहोतुं। भाईओ, आजे आपणे खेतीने नफाना धोरण पर लई जवानी दिशामां काम करी रह्या छे, अने बे दशक पहेला कोई कदाच आना माटे विचारी नहोतुं शकतुं। भाईओ, आपणा खेडूतोने पाणीनी समस्यामांथी मुक्ति अपावा माटेनुं अभियान आपणे चलाव्युं, साथे साथे वीजळीना संकटमांथी एने मुक्ति अपाई। मने याद छे जमानो हतो के ट्रांसफॉर्मर बळी जाय ने, कारण के वीजळीना ठेकाणा ने उतार चढ़ाव चाल्या करे एटले ट्रांसफॉर्मर बळी जाय, पांच पीळो पड़ी जाए, गांधीनगर में चक्कर मारे, धारासभ्य दौड़ादौड़ करे, ट्रांसफॉर्मर बदलता बदलता बबे त्रण त्रण महीना जता रहे, सीजन पूरी थी जाए, पाक आखो पीळो पड़ी गयो होय, खेडूत बिचारो बर्बाद थी गयो होय, आपणे आवीने बदल्यो, फोन करो ने ट्रांसफॉर्मर बदला, एवो जमानो आपणे लाई दीधो हतो। पछी तो स्थिति एवी लावी के ट्रांसफॉर्मर बळे पण नहीं भाई, सिंचाईनी सुविधाओ वधारवा माटे आपणे अनेक कामों कर्या, नहेरोना कामों कर्या, अने आना कारणे अमारो खेडूत आजे त्रण त्रण पाक उगाड़वा माँड्यो छे, एने एनो लाभ थवा माँड्यो छे। भाईओ, भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे गुजरात में खेतीने महासंकटमांथी बहार काढ़ी अमे गामडाने बचावी लीधुं छे, नहीं तो अमारुं गुजरातनुं अने खास करीने कच्छ काठियावाड़नुं गुजरात सौराष्ट्रनुं अमारुं गामडुं खाली थतुं थाय, लोको मजूरी करवा जाए पर गामडे पाछा आवानुं पसंद नहोता करता, एवा दिवसो हता। आपणे ज्यारे ज्योतिग्राम योजना लाया ने त्यां घरमां तो 24 कलाक वीजळी मळी, पण ज्योतिग्राम योजनाना कारणे खेडूतने वीजळी पाकी मळवानी नक्की थई गई के आटला कलाक मळे एटले मळे, दिवसे मळे एटले मळे, एना खेतीमां पाणी विना पाक सुकाय नहीं, एना माटे जे वीजळी जोईए मळे एटले मळे। हा, आपणे करी शक्या, अने आपणे ज्यारे किसान हित ऊर्जा शक्ति योजना खुशी एनी जरा करी हो, एक लाख थी वधारे ट्रांसफॉर्मर आपणे लगाव्या, एक लाख करता वधारे ट्रांसफॉर्मर,
अने आपणा सरकार ने सौथी मोटो लाभ मोटो कर्यो कृषि महोत्सव। जून महीना में साहेब 35-40 डिग्री तापमान होय अने गुजरातना गामडे गामडे कुशीरथ फरतो होय, खेडूतोनी साथे बेसीने खेडूतमां खेतीमां केवी रीते बदल लावो, केवी रीते आधुनिक टेक्नोलॉजी लावी, बियारण केवी रीते लावो, जमीन माथे मैंने बधा सॉइल टेस्टिंग काम केवी रीते करवा, बीज थी लईने बाजार सुधी अमारा खेडूतने तैयार करवानुं काम आपणे आ कर्युं। अने गुजरातमां नहेरो द्वारा पाणी पहोंचाड्युं, बीजी बाजु कृषि महोत्सव द्वारा माहिती पहोंचाड़ी, अने आजे आपणा 70,000 किलोमीटर नहेरोनुं नेटवर्क, भाईओ कोई कल्पना करे 70,000 किलोमीटर नहेरोनुं नेटवर्क आ आपणा गुजरातना खूणे खूणे पहोंचाड़वानो प्रयास कर्यो छे। अने एना कारणे आपणा 125 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड, आपणा गुजरातमां 125 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड, माटीनी पहचान एनु काम आपणे त्यां कर्युं छे। अने एना कारणे खेडूते पोताने कयुं बीज वाववुं, क्यूँ खातर नाखवू, कई दया ना दवा नाखवी एनी बधी एने समझा पड़े। अने एनी साथे साथे पशुधन, पहला एवी सरकार हती कि डेरी न बनावा माटेना नियमो हता, अमे डेरी बनावाना नियमो बनाया अने अमारी अमरेलीनी डेरीए तो कमाल करी दीधो छे भाई, कमाल करी दीधी। आटला टूंका गाळामां जे प्रगति थई छे, अने एनी साथे साथे पशुओ माटे आपणे जे आखा देशमां आ माणसोने जे कोरोना में टीकाकरण कर चर्चा तो थाय छे, आपणे पशुओ माटेना टीकाकरण मोटू अभियान चलाई रह्या छे, हजारों करोड़ रुपयाना बजेट खर्ची रह्या छे। आपणे किसान क्रेडिट कार्डनो लाभ पशुओ अमारा पशुपालकोने आपी रह्या छे, ए ज रीते अमारा माछीमार भाईओ बहनों एमने पण किसान क्रेडिट कार्डनो लाभ मळी रह्यो छे। अने हिंदुस्तान में आटली बधी सरकारो आवी, आ दरियो हतो के नहोतो भाई, माछीमारो हता के नहोता भाई, माछीमारी चालती थी नहोती चालती, आवड़ो मोटो हिंदुस्तान, आवड़ो मोटो दरिया किनारो, परंतु माछी मत्स्य विभाग नहोतो, सरकारनो कोई मंत्रालय नहोतो, अमे जुदो मंत्रालय बनाव्यो अने अमारा रूपालाजीनुं नेतृत्व करी रह्या छे। आखा देशना माछीमारोनी जिंदगी बदलवानुं काम चाल्युं, फिशिंग हार्बर बनावाना काम होय तेजीथी थई रह्या छे, अमारा फिशरमेन ने माछीमार ने आर्थिक मदद करवानी काम थई रह्या छे। अमे टेक्नोलॉजी द्वारा चाहे खेडूत ने जे पोर्टल होय एनो लाभ फिशरमेन ने मळे, एनो लाभ पशुपालक ने मळे, एना माटे सबसिडी मळे, आनी चिंता आपणे करी छे। भाईओ बहेनो, बे दशक पहेला वीजळी पर 75,000 करोड़ रूपयाथी वधारे आपणे सबसिडी आपी, एना कारणे मारा खेडूतने क्यारे वीजळी मोंघी न पड़ी एनी चिंता आपणे करी छे। किसान सूर्योदय योजना तहत किसानोने खेतीमां दिवसे वीजळी मळे एनी चिंता करी जेथी के रात्रे एने उजागरा करवाना पड़े, आ चिंता करी। भाईओ बहनो, एक जमानो तो गुजरातमां मात्र एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी हती, चार चार एग्रीकल्चर युनिवर्सिटीओ बनाई दीधी, अने विस्तार प्रमाणे खेडूतोनी जे आवश्यकता हती ए प्रमाणे आपणे रिसर्च करवा माड्या, अने एना कारणे खेती आधुनिक बनी, खेती वैज्ञानिक बनी, अने खेतीनी आखी रसम बदलाई गई। आ काम आपणे करी शक्या छे। भाईओ बहेनो, गुजरातनी अंदर हजारों करोड़ रूपया 2.9 हजार करोड़ रूपयाथी वधारीने 2 लाख करोड़ रूपया, क्या 9 हजार करोड़ ने क्या 2 लाख करोड़ रूपया, एटले सुधी आपणे हरणफार भरी। भाईओ, आजे वर्षोथी गुजरात में कृषि विकास दर जे माइनस में हतो, आपणी जहमतनुं परिणाम आव्युं के आजे डबल डिजिट में गुजरात तो कृषि विकास दर थयो। अने हिंदुस्तान में कृषि विकास माटेना जेटला इनामो हता ने ए इनामो बधा गुजरात लई आवतुं हतुं, जे गुजरात सूकू भट गणातुं हतुं एमां आपणे आ बधी करी रह्या। आजे गुजरात में सिंचाईनो दायरो पण आजे 20 वर्ष में लगभग 2.25 ગણો કરી દીધો છે આપણે, અને આજે ગુજરાતમાં અનાજનું ઉત્પાદન પહેલાની તુલનામાં ડબલ થવામાં માંડ્યું છે। સુકા ભટ ગુજરાતમાં દૂધનું ઉત્પાદન 2.5 ગણું વધ્યું છે। આજે ગુજરાતમાં શાકભાજીનું ઉત્પાદન પહેલા કરતાં 4 ગણું વધ્યું છે। આજે ગુજરાતમાં ફળોનું ઉત્પાદન પહેલા કરતાં 3 ગણું વધ્યું છે। આજે ગુજરાતમાં એવી અનેક ફસલો, કમલમ કમલમની ખેતી વિદેશોમાં જઈ રહી છે,
कच्छनी आफूस विदेश में जा रही है, अमारा अमरेली जिलो पण हवे फरफड़ाटनी दिशा में आगे बढ़ी रह्यो छे। भाइयों बहनों बीजी बाजू प्राकृतिक खेती, मने रूपाला जी अमारा दिलीप भाई कहता था कि साहब अमारा अमरेली जिला खेडूतो प्राकृतिक खेती ने भी पोतानी बनाई दीधी छे, लाखों खेडूतो हवे प्राकृतिक खेती तरफ वळी रह्या छे। हूँ मानु छु तमे गुजरात की तो सेवा कर रहा छो, पोतानी तो कर रहा छो, धरती माता नी कर रहा छो, अरे आमनारी पेढ़ीओ नी पण सेवा कर रहा छो। आ काम जे अमरेली जिलाए उपाड्यु छे ए अभिनंदन ने पात्र छे भाईओ। अमरेली से प्रधानमंत्री की चुनावी रैली का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अमरेली आया हूं तो लगता है कि घर पे आया हूं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर से अगर आज अमरेली को देखा है तो यहां पर जो चुनावी मिजाज है वो पता लगा है। गुजरात में एक बार फिर से विजयनाथ है और गुजरात में एक बार फिर से मोदी सरकार है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि गुजरात में उद्योगों का विकास हुआ है और कृषि क्षेत्र में भी यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, और पिछले कई सालों में हज़ारों नए उद्योगों ने एक नई यहाँ पर छवि बनाई है, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिला है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र यहाँ पर बनने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेडिकेटेड कॉरिडोर से कृषि और उद्योगों को फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। पानी के लिए यहाँ पर काफ़ी काम किया गया है, चेक डैम तालाब बनाने का काम किया गया है, और आज ज़िले में सैकड़ों गाँवों ने पाइप से पानी वहां पर पहुंच रहा है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो खेत हैं उनमें नफा हो रहा है, किसानों को काफी फायदा हो रहा है। पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह से पानी और बिजली की यहां पर दिक्कत थी, किसानों को इतनी सुविधा होगी। ट्रांसफार्मर तक बदलने के लिए पहले लोगों को चक्कर लगाने में बहुत समय लगता था, लेकिन अब लोगों को चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, उनके लिए सुविधाएं उनके पास ही पहुंच गई हैं। साथ ही उन्होंने ज्योतिग्राम योजना का भी जिक्र किया और उसमें कहा कि ज्योतिग्राम योजना ने घर के साथ साथ खेती के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई है, खेती के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और कृषि महोत्सव का फायदा यहाँ पर किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 70,000 किलोमीटर नहरों का जाल किसानों को यहाँ पर मिला है, तो सिंचाई की सुविधा और जल से संबंधित जो दिक्कतें आ रही थी वो काफ़ी दूर हुई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अमरेली की डेयरी ने कमाल कर दिया है, पशुधन को बचाने के लिए उनको टीका भी लगवाया गया है और किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसानों को यहाँ पर मिल रहा है। फिशिंग के एरिया में भी काफ़ी काम किया जा रहा है, मछुआरों को सब्सिडी मिल रही है, लाभ दिया जा रहा है, और किसान सूर्योदय योजना से किसानों को लाभ मिल रहा है। पहले एक कृषि यूनिवर्सिटी थी, आज 4 बना दी गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से वहाँ पर सरकार के कदमों से लोगों को लाभ मिला है।